इस पूरे हिस्से में एंटी टैंक्स माइंस बिछा रखे थे और आज भी यहां पर 1971 के अंदर हुए युद्ध के इस्तेमाल किए गए वो सारे टैंक मशीन गन हमें जो की त्यों देखने को मिल रही है। और उनके टैंक का जैसा हाल है इससे भी बुरा हाल किया था हमारे सैनिकों ने उन पाकिस्तान के सैनिकों का। और ये जो बंकर है ये उन सैनिकों को दुश्मनों से होने वाली जितनी भी गोलाबारी होती है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। पाकिस्तान के 68 टैंकों की धज्जियां उड़ा दी थी, इतनी फायर कर डाली कि दुश्मनों को ये नहीं पता लगा कि हमारे ऊपर जो गोली बरस रही है आग की तरह वो कहां से बरसी है। और ये जो पूरा ट्रेंच बनाया गया है ये कम्युनिकेशन ट्रेंच होता है और जितने भी हमारे सैनिक हैं वो इसी रास्ते के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। पाकिस्तान की सेना का कुछ ऐसा हाल किया गया था दोस्तों, ये देख रहे हो इस प्रकार का उनके जो पुर्जे ढीले कर दिए गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर जहां पर 1971 4 दिसंबर की रात को और 5 दिसंबर की सुबह तक भारत के मात्र 120 वीर जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों आज हम आ चुके हैं लोंगेवाला बॉर्डर पर और आज भी यहां पर 1971 के अंदर हुए युद्ध के इस्तेमाल किए गए वो सारे टैंक मशीन गन हमें जो की त्यों देखने को मिल रही है। और इन्हीं मशीनों का और इन्हीं टैंकों का इस्तेमाल किया गया था अचानक से पाकिस्तान की सेना के द्वारा। दोस्तों ये तारीख है 4 दिसंबर की जब 2000 के लगभग सैनिक लोंगेवाला के इसी बॉर्डर पर आ गए थे और यहाँ पर पंजाब की तरफ के एक बटालियन जिसमें मात्र 120 सैनिक, जिस बटालियन का नाम था पंजाब 23, उन्होंने पाकिस्तान के 68 टैंकों की धज्जियाँ उड़ा दी थी और 2000 सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी थी जब वो यहाँ से हार कर भागे थे। और उनके टैंक का जैसा हाल है इससे भी बुरा हाल किया था हमारे सैनिकों ने उन पाकिस्तान के सैनिकों का। तो दोस्तों इस प्रकार के काफ़ी सारे सबूत आज भी यहाँ पर साक्ष्य तौर पर रखे हुए हैं जो कि लोंगेवाला के इस युद्ध स्थल पर हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमने सबसे पहले शुरुआत टैंक से की है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक के बाद एक देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजियम भी बना है, उसमें उस युद्ध की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम बढ़ते दोस्तों अगले हिस्से की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं ऐसे ट्रक को देखने के लिए जो कि पाकिस्तानी सेना का है और इसका हाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे वायुसेना के वीर जवानों ने इस ट्रक की धज्जियां उड़ा दी थी। दोस्तों ये 4 दिसंबर 1971 का ये वो समय है जब अचानक से पाकिस्तानी सेनाओं ने एक ऐसी नापाक हरकत अपनाई कि तकरीबन 2000 सैनिक लेकर इस तरफ से, ये सामने जो दिशा आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इस दिशा से वो अपनी सेना के साथ में तैयारी के साथ में यहां पर आई और हमारी मात्र 120 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन हमारे बहादुर जवान मेजर कुलदीप जी के नेतृत्व में उन्होंने अपना हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। इस पूरे हिस्से में एंटी टैंक्स माइंस बिछा रखे थे और एक के बाद एक पाकिस्तानी सेनाओं की उन्होंने वो हालत करी जिसके बाद में उन्हें 5 दिसंबर सुबह तक मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों अब हम चलेंगे कुछ उनके बंकर्स को देखने के लिए कि किस प्रकार से भारतीय सेना बंकर्स में कूच कर रहे थे और आज भी उनके जो सबूत है यहाँ पर जो के तो देखने को मिलेंगे। आ जाइए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मथुरा दास जी की RCL जीप पर और इसी जीप में जो आप ये मशीन गन देख रहे थी लंबी सी, यहीं से उन्होंने दुश्मनों के टैंकों की ऐसी तैसी कर दी थी। और 1971 के समय में इस जीप का इस्तेमाल किया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। आप इस जीप को देख सकते हैं कि इसमें जो इतनी बड़ी है कि जो तोप सी लगी हुई है यहीं से गोला दागा जाता है और सामने दुश्मन की ऐसी हालत खराब की जाती है जिसका उनके पास में कोई भी जवाब नहीं होता है। तो दोस्तों इस जीप को चलाने वाले व्यक्ति का नाम था नायक मथुरा दास जी और उन्हीं के द्वारा इस जीप में बैठकर दुश्मनों के ऊपर लगातार फायरिंग की गई थी और उनके जितने भी बड़े बड़े टैंक थे ना
उनका ऐसा हाल किया था दोस्तों, वो वीर गाथा अपने भारतीय सैनिकों की आज भी देखकर गर्व से हमारा सीना जो चौड़ा हो जाता है, उसका क्या ही कहना। दोस्तों अब यहाँ पर आप एक ये जो रास्ता देख रहे हैं ना दोस्तों, इस रास्ते की बहुत अहमियत है। इस रास्ते में सामने की तरफ आपको एक बंकर दिखाई दे रहा है और इसी बंकर के साथ साथ से आपको जो रस्ते दिए आप देखेंगे यहाँ पर, तो आगे चलते 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 आगे एक बंकर और बना हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसका जो इमेजिनेशन करवाने की कोशिश करता हूँ। आज के वक्त में तो यहाँ पर रेत भर गया है, लेकिन 1971 युद्ध से पहले यहाँ पर तकरीबन 7-8 फिट गहरा ये जो हिस्सा बना है, रास्ता बना हुआ करता था, और जितने भी हमारे सैनिक हैं वो इसी रास्ते के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। यदि आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप इस चीज़ को और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि हमारे वीर जवानों ने किस प्रकार से अपना कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बना के रखा। और यहां पर एक बंकर बना है, लेकिन उससे पहले यदि मैं आपको इस पत्थर पर लिखी हुई एक अहमियत दिखाऊं, तो सूबेदार रतन सिंह कि जो वीर गाथा है वो यही है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने कम्युनिकेशन किया था और दुश्मनों की गोलाबारी का जो प्रहार है उससे अपने वीर जवानों को हौसला देने के लिए इसी स्थान से आखिरी सांस तक लड़ने की उनको हिम्मत दी थी। तो उनकी स्मृति में यहाँ पर एक जो छोटा सा पत्थर है, स्टोन है, वो लगाया गया है। दोस्तों ये है बंकर, और बंकर का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर हमारे सेना के 2 या 3 जो जवान हैं वो इस मोर्चे में बैठे रहते हैं, और इन जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ, इन होल में वो अपनी राइफल, गन वगैरह, तोप वगैरह लगाकर रखते हैं, और सामने की तरफ जो भी दुश्मनी सेना होती है उन पे लगातार फायरिंग करते रहते हैं। और ये जो बंकर है ये उन सैनिकों को दुश्मनों से होने वाली जितनी भी गोलाबारी होती है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस बंकर का जो रूप है वो बाहरी हिस्से से आप देख लीजिए कि आज के वक्त में हमें उस वक्त की याद भी ताजा ये करवा रहा है। और दोस्तों इसी स्थान पर हमारे सिपाही जगजीत सिंह जी की जो वीर गाथा है वो हमें समझ में आती है कि उन्होंने बंकर के सामने खड़े होकर अपनी मशीन गन से इतनी फायर कर डाली कि दुश्मनों को ये नहीं पता लगा कि हमारे ऊपर जो गोली बरस रही है आग की तरह वो कहां से बरसी है। और ये जो पूरा ट्रेंच बनाया गया है, ये कम्युनिकेशन ट्रेंच होता है, इसकी मदद से ये जो आपस के जितने भी बंकर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ये हमारे वीर जवानों की कहावतें लिखी हैं, गिरते हैं सहंशवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेगी जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों इन सभी शायरी से हमारे वीर जवानों को जो हौसला मिलता है, और इन्हीं की बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित इसलिए रहते हैं क्योंकि ये वीर जवान सीमा पर हम लोगों की सेफ्टी के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ उस वक्त के टैंक जो पाकिस्तान की सेना को खदेड़कर हमारे भारतीय वीर जवानों ने यहां तक रखे हुए हैं। आइए दोस्तों, बैटल ऑफ 1971 में पाकिस्तान की सेना अपने साथ में 68 इस प्रकार के बड़े बड़े टैंक लेकर आई थी, और उन्हें लग रहा था कि एक रात के अंदर ही वो जैसलमेर को अपने अधीन में कर लेंगे और दिन का खाना, दोपहर का खाना खाएंगे यहाँ पर, रात का खाना खाएंगे जैसलमेर में। लेकिन उनका जो सपना था, जो नापाक सपना था, उनकी जो बचकानी हरकत थी ना, उसका भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि उन्हें भारी पड़ गया अपने सैनिकों को बचाना। यहाँ पर सामने की तरफ आप टैंक T-59 जो देख रहे हैं, ये 1971 की रात में भारतीय एयरफोर्स के द्वारा इनके टैंकों पर ऐसी गोली डाली गई दोस्तों कि उसके बाद में पाकिस्तान की सेना की हिम्मत तक नहीं हुई और इन टैंकों को वापस ले जाने की। उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए टैंक को छोड़कर मैदान से ऐसे भागना पड़ा भगोड़ों की तरह। उसके बाद से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं करी हमारे भारतीय वीर जवानों के साथ में पंगा लेने की। उन्हें बात शायद नहीं पता थी कि हमारे भारतीय जो वीर जवान है वो अगर किसी की जान बख्शते हैं तो अपने ऊपर आने पर किसी की जान ले भी लेते हैं। 120 जवान भारी पड़ गए थे पाकिस्तान की 2000 की सेना पर। दोस्तों 1971 लोंगेवाला युद्ध के बारे में काफ़ी सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप पूरे युद्ध का उस समय की चीज़ों को यहां से पढ़ सकते हैं। कुछ
चीजें और यहां पर लिखी हुई हैं कि किसका क्या योगदान था, किसने किन चीजों को खोया, सब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना के 179 सोल्जर मारे गए थे, 37 टैंक उनके डिस्ट्रॉय किए गए थे, 138 व्हीकल्स उनके उड़ा दिए गए थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। अब दोस्तों यहां पर हमारे भारतीय सेना को अलग अलग वीर चक्रों से जब सम्मानित किया गया तो उनकी याद में यहाँ पर उनकी वीर गाथाएं भी लिखी गई हैं, उनकी पोर्ट्रेट भी बनाई गई है। जो चरणदास जी थे बीच में, आपको ये हमारे भारत का एक बहुत सुदृढ़ एक आपको नेशनल एम्बलम दिखाई देगा जिसमें चार सिंगों वाला अशोक चक्र, यहाँ पर बिशनदास जी का जो उनका पूरा योगदान था उसके बारे में लिखा गया है। इनको जिन जिन मेडल से सम्मानित किया गया है उन सभी चीज़ों की याद में यहाँ पर एक ये नेशनल एम्ब्लेम हमारा अशोक चक्र बनाया गया है। और ये वो पिलर है जो कि सारनाथ में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जीप और उस समय का एक टैंक और हमें देखने को मिल रहा है, उनको भी थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं अपनी वीडियो के अंदर। यहाँ पर आइए, ये बिल्कुल सेम वैसी ही जीप है जिस जीप का इस्तेमाल किया गया था दुश्मनी सेना को उड़ाने के लिए। और इस जीप की जितनी भी खासियत है ना दोस्तों, वो आपको इस छोटे से बोर्ड पर देखने को मिल जाएगी। और भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस प्रकार की जीप का इस्तेमाल किया गया था। ये एक अमेरिकन M40A1 रिकॉल लेस राइफल है। और इसी प्रकार का एक यहाँ पे पाकिस्तानी टैंक आपको देखने को मिलेगा। आप इस टैंक की पहले सूरत देख लीजिए, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि इस टैंक को किस प्रकार से उड़ा दिया था, किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना तितर बितर कर दी थी हमारे भारतीय वीर जवानों ने 4 दिसंबर की रात और 5 दिसंबर की सुबह तक पाकिस्तान की सेना का कुछ ऐसा हाल किया गया था दोस्तों। ये देख रहे हो इस प्रकार का, उनके जो पुर्जे ढीले कर दिए गए थे, यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। तो ये उनके टैंक का नंबर वगैरह देख सकते हैं आप, बेचारे अपना टैंक भी वापस लेके नहीं जा पाए, तो समझ सकते हैं उनकी सेना का क्या हाल हुआ होगा। इससे काफ़ी बड़ा जो एक म्यूजियम है वो उस तरफ बना हुआ है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कलेक्शन में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ चलेंगे दोस्तों। आ जाइए आप।